करने आ रहा हूँ। की कोशिश की है उसे इस बात की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुक जाओ दोस्तों, इस मुसीबत की घड़ी में हमें दोस्त चाहिए, दुश्मन नहीं। हमारे भी राजा गायब हैं। क्या किया, कोई काम सफल नहीं होता। क्या हुआ भीम? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो कृष्ण। मैं सब सुनता हूँ भीम, और सब जानता भी हूँ। मुझे ये भी पता है कि कालसुरा राजा इंद्र वर्मा को ले गया है। उसका राज्य आसमान में है ना इंदुमती? को बाकी राजाओं के साथ एक पिंजरे में रखा है। कालसुरा उन राजाओं की मदद से शक्ति मंत्र का प्रयोग करने वाला है। ये मोर तुम्हें आकाश में ले जाएंगे। तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी लड़ाई तो नहीं लड़ सकता, पर तुम्हारा साथ जरूर दे सकता हूँ। बताओ मुझे कौन है जो इन बच्चों की मदद कर रहा है? बताओ।
कृष्ण। बेचारी भेड़, घबराओ मत, मैं मदद करने आ रहा हूँ।
प्यारे बच्चों, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तो सिर्फ आपके जहाज को इस चट्टान से बचाना चाहती थी जो इन लहरों के बीच कहीं छुप गया था। तो फिर हम सब आपका शुक्रिया करते हैं। हम ढोलकपुर से ये सुंदर राज्य सिंगापुरा को देखने आए हैं। मैं हूँ इंदुमती और ये है मेरे दोस्त चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, ढोलू भोलू, प्रोफेसर धूम केतु और वो है भीम। बहुत खूब, मैं हूँ महलों और मैं सिंगापुरा के समुद्री तट की रक्षा करती हूँ। मित्रों के लिए मित्र और शत्रुओं के लिए शत्रु। आओ, सिंगापुरा पहुँचाने में मैं आपकी सहायता करती हूँ। आपका ये सिंगापुरा का सफर शुभ रहे। अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो 3 बार मेरा नाम पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। अभी के लिए अलविदा। राजा दियान को हमारा प्रणाम। हम ढोलकपुर से आए हैं। मैं प्रोफेसर धूमकेतु हूँ और सिंगापुरा के नौका दौड़ महोत्सव में लगे शाही बाजार में अपने कुछ नए आविष्कार बेचने की अनुमति चाहता हूँ। तुम्हें महोत्सव में दुकान लगाने की ना सिर्फ मेरी अनुमति है बल्कि मेरा आशीर्वाद भी है। ये है हमारा शाही चिड़ियाघर। ये सारे पंछी संगीत की जुबान समझते हैं। कैसे, हमें भी बताओ ना। बताती हूँ। प्रतियोगिता के लिए निकलना होगा। मुझे किसी तरह से राजा को मुकुट यहीं छोड़कर जाने के लिए मनाना होगा। राजा जी, महोत्सव में बहुत भीड़ होगी, बेहतर यही होगा कि आप अपना मुकुट यहीं रख कर जाएं। मुकुट महल में सुरक्षित रहेगा। तुम ठीक कहते हो बम्बुक, मुकुट को यहीं रखना बेहतर होगा। Ha ha ha!
सारे सिंघापुरा को समंदर में डुबा दो। सबसे कामयाब लेखक, लेकिन पूरे राज्य में कैसे लोग पढ़े हैं, कोई मेरी कहानियां पढ़ना ही नहीं। अब देखना। अच्छा गुजरेगा हंसते खेलते दोस्तों के साथ। और मेरा दिन आज यात्रा का संकेत है। मुझे लगता है मेरा तोता जरा पत्तों में गड़बड़ा गया था, अभी दूसरा पत्ता निकलवाता हूँ। दूसरा क्यों? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ाया नहीं था तोता। तुम इसी पत्ते में से मेरा आज का भविष्य बताओ। ठीक है, यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। और सबको ये भी पता है कि कालिया उस्ताद झापड़ खाता नहीं, दूसरों को झापड़ खिला सकता है। कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। दक्षिणा किस बात की? झूठी भविष्यवाणी करने की? भविष्यवाणी झूठी थी या सही, ये तो दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। इस खूबसूरत माहौल में मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो सबके होश उड़ा देगी, फिर सब याद रखेंगे मेरा नाम। मनपसंद शहद भी लाया हूँ। मैं उस नए लेखक और उसके चमचों को सबक सिखा के आऊंगा। आसमान से एक तेज आते हूँ। तुमने मेरा तीर ढूंढ लिया और अब तुझे वापस कभी नहीं मिलने वाला। निकलो यहाँ से।
राजू और जग्गू कैसे सीधे चलने लगे। कहीं में एक जबरदस्त लेखक हो तो। रुको, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, बुरा मान गए। बैठो ना। एक मिनट, अभी किताब मुझे दो। ये देखो, तुमने लिखा था ना कि शूरवीर आसमान से कुछ आते हुए देखते हैं। क्या तुम तुम्हारे शूरवीर जैसे ये भारी चट्टान उठा सकते हो? क्या कमाल हो गया, मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर जैसा शक्तिशाली। सावधान रहना, छलांग। तो शूरवीर ने चांदी जैसे चांद को देखा। रायचूमान, ढोलकपुर की सबसे घटिया प्रेम कथा का लेखक। बाय बाय मेरे छोटे वीर। और वो सात बच्चे हमेशा हमेशा के लिए कुल हो गए। मेरी दुखद कहानी। अब हम दिखाते हैं कि हर कहानी में बदमाश का क्या हाल होता है। अब ये कहानी खत्म। अब तुम जेल में जितना चाहो लिख सकते हो मेरी कहानी। अब लग रहा है आसमान पूरा भरा हुआ। मेरा खाना, मेरा चांद। मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते। ढोलू या भोलू तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों, हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरो। कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो, दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है, चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे। और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रसाकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रसाकसी ठीक है, मंजूर है। हाँ,
अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो! उस्ताद जा रहे हैं। खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा। तो तय हो गया, भीम ही हमारा उस्ताद है। भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया, मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद।